तो बच्चा पार्टी, पहला वर्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग है कि एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है, दैट इज नथिंग बट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे बेस है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, कहां से निकल के आया, तो उसके लिए मैं सबसे पहला आर्टिकल लेके आता हूं। दैट आर्टिकल इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हालांकि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज आल्सो रिलेटेड विद द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज आल्सो रिलेटेड विद द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। मैं इसकी एक सिंपल सी भाषा में बात लिख देता हूं, क्योंकि तब तक बच्चे भी लाइव होते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो तब तक हमारा ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज रिलेटेड विद द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली एबिलिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहां से निकल गया है? जैसे कि आपने ओम्स लॉ किया था कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वैसा ही कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, कि यहां पे आई की जगह पे आपको चार्ज लेना है, चार्ज आपको कंसीडर करना है। आपको पता है ना बच्चा कि करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, ठीक है। अगर इफ आई से टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आई इज इक्वल टू क्यू, है ना, आई इज इक्वल टू क्यू। अगर आप कहें कि यूनिट टाइम में कितना करंट का फ्लो होता है, ठीक है ना, यूनिट टाइम में कितना करंट का फ्लो होता है यूनिट टाइम में कितने करंट का फ्लो होता है, तो आप लिख सकते हैं उसे चार्ज के इक्वल, ठीक है, आप उसे लिख सकते हैं किसके इक्वल, चार्ज के इक्वल। हाँ जी बच्चा, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, आश्रय मेरी आवाज आ रही है बेटा पूरी? आश्रय अनम्यूट करके बताओ बेटा, आश्रय, ऐश, आवाज आ रही है बच्चा मेरी? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अमृतपाल, आवाज आ रही है अमृतपाल? गीतांक्षी, आवाज आ रही है बेटा मेरी? गीतांक्षी गुरलीन बाजवा, अनम्यूट करके बताओ बेटा, आवाज आ रही है सही से? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि आवाज आ रही है। एक बच्चे का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही सर, मैंने कहा ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इट इज रिलेटेड विद द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये एबिलिटी है जो किससे जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने से जुड़ी हुई है। हमने क्या कहा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले ले तो आई इज इक्वल टू क्यू हो जाता है। चलो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज आगे कर लेंगे, कॉन्सेप्ट में कैसे यूज कर लेंगे चलो उस पर भी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है, जिसकी लेंथ है एल के बराबर। इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो है आपके पास कितना, ए के इक्वल, और इसकी जो लेंथ है वो है एल के बराबर, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है, जिसकी लेंथ एल के बराबर। अब आपने क्या किया कि आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पे, या यूं कहिए कि आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये देखिए, ठीक है ना, बैटरी कनेक्ट कर दी जो इसको कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, वो पोटेंशियल भी हम मान लेते हैं वो पोटेंशियल है वी के इक्वल। तो हम कहते हैं कि यहाँ चार्जेस का जो फ्लो है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल वी हैव अप्लाइड, ठीक है ना, हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो, ठीक है। ये देखिए बच्चा लोग, ये आपका प्लस वाला और ये आपका माइनस वाला, ठीक है ना।
और ये आपने पोटेंशियल अप्लाई किया। आपने कहा कि चार्ज का जो फ्लो होगा दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल। हाँ, टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर जैसे कि ओम्स लॉ में भी बात करी जाती थी कि टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट हियर। टेम्परेचर को अगर हमने रखा कॉन्स्टेंट तो इन दैट सिचुएशन चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद सम कॉन्स्टेंट, देन दैट कॉन्स्टेंट इज सी। सी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी को आप बोलोगे क्या? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड नॉन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से आप जानते हो इसको, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नॉन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? सी इज इक्वल टू क्या आया? क्यू बाय वी। इफ वी इज इक्वल टू वन वोल्ट, वी इज इक्वल टू वन वोल्ट, अगर पोटेंशियल वन वोल्ट का आपने अप्लाई किया, इन दैट सिचुएशन सी बिकम्स इक्वल टू क्यू। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। ठीक है ना, एक वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से कितना चार्ज फ्लो होगा वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से जितना चार्ज का फ्लो बनेगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा? वो कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू C। ठीक है, वो किस सिचुएशन में? इफ वी हैव टेकन V इज इक्वल टू वन वोल्ट। अगर बच्चा लोग मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप मेरे को बहुत इजीली इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। कैसे? कि C इज इक्वल टू आपने क्या लिखा? C इज इक्वल टू लिखा Q बाय V। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और V की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट दैट शुड बी इक्वल टू फेराड, फेराड। ठीक है, कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो है फेराड। ठीक है, अब उसमें मैं आपको बता दूं कि 1 फेराड इज द बिगर यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसका बड़ा बहुत बड़ी यूनिट है, इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बना देता हूं। C इज इक्वल टू लिखा Q बाय V। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम। टेस्ट चार्ज है तो चार्ज ही ना, करंट इंटू टाइम डिवाइड बाय वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया जी करंट का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब लिख दो जी आप डायमेंशनल फॉर्मूला। तो करंट के लिए एम्पियर ए का स्क्वायर, टाइम के लिए कैपिटल टी का स्क्वायर, फोर्स का होता है जी एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल वन। तो ये बन गया जी आपके पास एम वन माइनस वन ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू टी फोर ए टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, इसकी यूनिट का नाम लिखा हमने फेराड। अब देखो बच्चा, अब मान लो आपके पास अर्थ है और अर्थ का कैपेसिटेंस आपको निकालना है। ठीक है, और अर्थ को आप परफेक्ट स्फीयर की तरह मानते हो। ठीक है, तो मान लो कोई बात नहीं, मानने में तो क्या जा रहा है हमारा, ये लो भाई ये हमने मान लिया अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर, ऐसा ऐसा स्फीयर मान लिया। ठीक है, अब देखो बच्चा ऐसा ऐसा स्फीयर मान लिया तो इसका जो रेडियस होता है वो तो सभी को पता है, रेडियस इसका 6400 किलोमीटर होता है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है।
ये आप इसका सेंटर मान लो जहां सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है, इसका जो रेडियस है दैट इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। यानी कि मैं किसके साथ डील करने वाला हूं, मैं कैपेसिटेंस निकालने वाला हूं, किसका, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस मैं निकालने वाला हूं, अर्थ के कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप मेरे को बताओ कि कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मान लो आपको पोटेंशियल इसके सरफेस पे निकालना है, तो पोटेंशियल इसके सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर, यही होता है ना, के क्यू बाय आर, सही बात है कि नहीं। तो ये वी की वैल्यू आप यहां पर रखो, तो वी की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाय क्यू इंटू के बाय आर, तो ये आ गया आपके पास, क्यू से क्यू कैंसिल, C इज इक्वल टू आर बाय के। के क्या है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे तो ऊपर चला जाएगा 4πε0 और इंटू आर, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, 1/9 × 10⁹। रेडियस कितना है भाई, 6.4 × 10⁻⁶। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 711 माइक्रोफेराड, ठीक है ना, ये 711 माइक्रोफेराड, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ के कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, अर्थ जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, इतनी बड़ी अर्थ है, उसकी वैल्यू माइक्रो में आ रही है, माइक्रोफेराड में आ रही है। इसका मतलब है फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, फेराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। क्यों ये बड़ी यूनिट है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है किसके लिए, अर्थ के लिए, जो अर्थ तो बहुत, आप उसका रेडियस आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, ठीक है, जिसका रेडियस है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, उसका कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रहा है, माइक्रो फेराड में आ रहा है। तो इसका मतलब है फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है ना, फेराड बहुत बड़ी यूनिट है। तो अब हमने बच्चा पार्टी, अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को, उसके यूनिट को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ को भी हमने स्टडी किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि कैपेसिटर क्या चीज होती है, जिसकी हमने स्टार्टिंग करी थी, उसका प्रिंसिपल क्या होता है और वो कैसे काम करता होता है, ठीक है। तो उसका वर्क, उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसमें यूज होने वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारी की सारी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहां से आया, Q इज इक्वल टू C इंटू V के कॉन्सेप्ट से आया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है, Q इज इक्वल टू C। इस चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला, मैं इसे बोलता हूं कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू CV। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप समझ लो इस कॉन्सेप्ट के, इस चैप्टर के आप महारथी हो। बस आपको याद करना है Q इज इक्वल टू CV, और इसी का इसी कॉन्सेप्ट को याद रख के आपका हर कॉन्सेप्ट कवर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते बच्चा, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, अगर कोई बच्चा नोट करना है, एक मिनट का टाइम चाहता है तो मैं एक मिनट का टाइम प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आप सभी ने नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर, उसका प्रिंसिपल और उसका वर्किंग स्टाइल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा पार्टी, मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे मुझे काम करना है, देखिए मैं कैपेसिटर की बात करके चलता हूं। देखो बच्चा लोग, कैपेसिटर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे घरों में जो पंखे हैं ना, उनमें वाइट कलर के सेल लगे पड़े हैं, वाइट कलर के सेल, जिनको आप मार्केट में जाके परचेज करोगे तो कंडेंसर बोलना पड़ेगा, वो कंडेंसर एक्चुअल में कैपेसिटर है, ठीक है, वही कैपेसिटर है। अब आपका कैपेसिटर बहुत ही अच्छा काम करता है, इसका पता कहां से चलता है, आप उनके दोनों वायर प्लग में डाल दो और प्लग में डाल के स्विच ऑन कर दो एक सेकेंड के लिए, और उसे बाहर निकालो, बाहर निकाल के दोनों वायर को टच करके देखो, अगर स्पार्किंग बहुत ही तकड़ी हुई तो आपका कैपेसिटर ओके है, अगर स्पार्किंग बिल्कुल हल्की सी होती है तो आपका कैपेसिटर ओके नहीं है, आपको कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। अब कैपेसिटर का क्या काम होता है, जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली का काम होता है,
हेड ऑफ द फैमिली क्या करता है, किसी बच्चे को पैसे की जरूरत है तो वो उनको हेड ऑफ द फैमिली देगा, है ना, या घर में किसी को भी जरूरत है तो हेड ऑफ द फैमिली ही देता होता है, ठीक है। तो यही काम कैपेसिटर करता है, हेड ऑफ द फैमिली बन जाता है, मतलब उनको कितनी रिक्वायरमेंट है वही उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी सप्लाई करता है। अब मान लो कि आपके पास लाइट आ रही है 444 वोल्ट पे और आपकी जो अप्लायंस है वो चल रही है केवल 120 वोल्ट पे, तो 120 वोल्ट प्रोवाइड करना उसका काम है कैपेसिटर का। 440 आ रहा है वो उसको सेंड कर लेगा, ठीक है ना, वो उसको सेंड कर लेगा लेकिन अगले को 120 ही देगा, ठीक है। ये बात है कैपेसिटर की। ये भी बात नहीं है कैपेसिटर की कि उसे मान लो मिल रही है लाइट 120 पे और अगले को दे दे 130 पे, ऐसा काम भी नहीं कर सकता वो, ठीक है ना, ऐसा काम नहीं कर सकता वो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले स्टोर करता है, जितनी स्टोर होगी उसके अकॉर्डिंग फिर आगे सप्लाई करता जाएगा। अब मान लो कि आपके पापा हैं, मान लो जैसे मेरे पापा किसान हैं और मैं उनको कह दूं कि मेरे को मर्सिडीज लाके दो, तो वो तो है हेड ऑफ द, मैं तो कहूंगा कि हेड ऑफ द फैमिली का ये जिम्मेवारी होते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वही बात हर एक कैपेसिटर के लिए भी अप्लाई होती है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी सप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखनी। तो हमने क्या कहा जी, हमारे पास है बच्चा पार्टी कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम कौन करता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें, चलो देखिए। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड, ये ले लीजिए इंसुलेटिंग स्टैंड, और इस स्टैंड पे हमने लगा दी एक रोड, ये देखिए, और इस रोड को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रोड मान लेते हैं इसको, ठीक है जी, ये इसको पॉजिटिवली चार्ज रोड, और इसको चार्ज तब तक देते जाना है जब तक कि चार्ज इस रोड से लीक होना शुरू ना हो जाए। मतलब आपको इसे इतना चार्ज देना है कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए इसका पोटेंशियल, मतलब कांस्टेंट नहीं, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। आपको चार्ज इसे तब तक देना है जब तक कि इसका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए। इसका पोटेंशियल हमने मैक्सिमम कर दिया तो इसके पास चार्ज भी क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है। अब इसके नजदीक रखना हमें एक अनचार्ज रोड को, ये लो जी एक अनचार्ज रोड है मेरे पास, हमने इसके नजदीक रखा इस अनचार्ज रोड को, और अनचार्ज रोड को इसके नजदीक रखा तो अनचार्ज रोड में क्या हुआ, पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या किया, अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज इस कोने पे आके बैठ गया, ठीक है, ये देखो बेचारा मरा सा बैठा है इधर, ये देखो। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनेगा, जीरो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जीरो हुआ तो इसका पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। पोटेंशियल मुझे डिक्रीज नहीं होने देना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज उसे देना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्ज उसे देना पड़ेगा ताकि उसका पोटेंशियल क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, मुझे इसका पोटेंशियल V मैक्सिमम हो चुका है ना, उसको रखना है कांस्टेंट, रखना है। अब नेगेटिव इसके पास है तो नेगेटिव के कारण क्या होगा, ये जो आपका, इसको आप बोलते हैं फ्री चार्ज, फ्री चार्ज, और इसको आप बोलते हैं बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज। अब देखो बच्चा कि पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना। आपको पता है ना, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब रिपल्सिव, रिपल्सन की बातें आती हैं। अगर रिपल्सन की बातें जहां पे नहीं आती वहां पे पोटेंशियल की बातें नहीं आती, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बातें नहीं आती। मतलब पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव लेके जाए तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्रीज होंगे, मेरी बात समझ लो। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलके क्या कर रहा है, जीरो। अब इसका जो डिस्टेंस है
और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस, अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है और नेगेटिव का कम है. पोटेंशियल ऑलवेज वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा. यानी कि यहां पे डोमिनेटेड कौन है? डोमिनेटेड चार्जेस इज नेगेटिव चार्ज. डोमिनेटेड जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है. सो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ये प्लेट ए मान लो, ये प्लेट बी मान लो. पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विल डिक्रीज, विल डिक्रीज टू मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए कॉन्स्टेंट, we have to supply some extra charge. हमें एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा. एंड एज क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी एंड वी इज कॉन्स्टेंट देन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. सी मीन्स कैपेसिटी. अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे, क्यू को अगर हम और सप्लाई कर रहे हैं, चार्ज को इंक्रीज करेंगे, तो कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है ना? कैपेसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. यानी कि कैपेसिटी को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ? फिर एक चार्ज रोड के कंटेक्ट में ले आओ एक अनचार्ज रोड को, तो उससे कैपेसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. अब मैंने एक और भी बंगा कर दिया, क्या? कि इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर दिया. ये देखो बच्चा लोग, ये मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया? अर्थ कर दिया, ऐसे अर्थिंग कर दी इसकी. ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे मैंने अर्थिंग कर दी, देख लीजिए. ये देखिए जी, ये हमने अर्थिंग कर दी, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया. अब अर्थ के अंदर चला गया तो आपके पास केवल और केवल कौन सा चार्ज बचा है, ये मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे. ये देखिए जी, ये आपकी चार्ज रोड है. ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है. इसके साथ कनेक्टिविटी में नेगेटिवली चार्ज रोड थी. आपने फ्री चार्ज को अर्थ कर दिया, केवल और केवल बचा है इसके पास कौन सा चार्ज? बाउंड चार्ज. केवल और केवल इसके पास बचा है कौन सा चार्ज? बाउंड चार्ज इसके पास है. पॉजिटिवली चार्ज रोड है ये. और इसके साथ है केवल और केवल नेगेटिवली चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज है केवल. ठीक है ना? ये नेगेटिव चार्ज ही केवल इसके पास बाकी रहता है बच्चा लोग. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को आपने अर्थ कर दिया, वो अर्थ में चला गया. अब ये नेगेटिव चार्ज, ये केवल नेगेटिव बचा है. This will again decrease the potential of plate A. Decrease the potential of plate A to maintain potential constant. ठीक है, वी हैव टू सप्लाई अगेन सम एक्स्ट्रा चार्ज. वी हैव टू सप्लाई अगेन सम एक्स्ट्रा चार्ज. एक्स्ट्रा चार्ज हमें दोबारा से एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा. अब अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, कैपेसिटी सी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. यानी कि कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो. कैसे? कि आपके पास एक अनचार्ज कंडक्टर था, उसको अर्थ कर दिया. अर्थ करने के बाद आपकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है. अब देखो बच्चा पार्टी,
आप प्लेट ए के पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए बार बार चार्ज सप्लाई कर रहे थे, आई थिंक आप डी क्यू चार्ज सप्लाई किया आपने, ताकि इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहे। अब अगर आपने चार्ज सप्लाई किया है तो देयर शुड बी सम वर्क, आपने चार्ज के लिए, चार्ज किसके लिए सप्लाई किया है, ताकि इसका पोटेंशियल वी जो है वो मेंटेन है, इसीलिए क्या है ना, तो पोटेंशियल और चार्ज में तो रिलेशन होता है एनर्जी के लिए, V is equal to बनता है W upon Q, W upon Q, Q की जगह क्या है DQ। तो अगर आपने small charge supply किया तो small work must be done, V को तो constant रखना है, तो DW upon DQ, तो V into DQ that is equal to DW, ये आपके पास DW, भाई आपने अगर small charge supply किया DQ तो small work must be done, that small work done is equal to DW, that is equal to V into DQ। अब आपको पता है ना रामबाण फॉर्मूले को लेके आओ, as Q is equal to C into V, V की वैल्यू रख दो भाई Q by C, तो फिर आपके पास DW की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, DW की वैल्यू आ गई Q by C into DQ। आपको तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए, तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट Q by C और into DQ, इसके विद रिस्पेक्ट है, Q के विद रिस्पेक्ट है, C को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचा Q DQ। इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि पावर को एक बढ़ा दीजिए और जितना आपने बढ़ाया है उसे आप नीचे लिख दीजिए, कैसे कि 1 by C, Q की पावर 1 थी, 1 plus 1 2 हो जाएगी, डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो Q square upon 2 C, that is equal to work done, that is equal to potential energy stored in capacitor, stored in capacitor, यही वो potential energy है या energy store है जो capacitor के अंदर हुई है, that energy stored U is equal to Q square by 2C। अब Q is equal to क्या होता है बच्चा लोग, Q is equal to होता है C into V, तो this is C square V square by 2C, that is equal to, आप इसको लिख सकते हैं half C V square, half C V square, ठीक है, तो आपके पास CV क्या होता है, CV Q के इक्वल होता है half Q into V, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है उसके बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, एक बन गया Q square by 2C भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक आप लिख सकते हैं half CV square भी आप लिख सकते हैं, एक आप लिख सकते हैं half Q into V भी आप लिख सकते हैं, तो आपको जो वैल्यू आपको अच्छी लगे, जो वैल्यू आपको यूज करनी पड़े, आपकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो यूज करना पड़े आप उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यूज भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर, उसका प्रिंसिपल, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल था। तो अब देखिए बच्चा पार्टी, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पहला काम कर देता हूँ आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, जो बच्चा मेरे यहाँ प्रेजेंट बैठा है, ठीक है, तो उसके अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ मैं, तब तक जब तक कि आप नोट कर लेते हैं इसे। हाँ जी, आश्रय, अमृतपाल सिंह, दमनजीत कौर, गीतांक्षी, गुरलीन बाजवा, गुरलीन सैनी, गुरप्रीत सिंह, हमराज, ठीक है, हमराज के बाद है, हमराज के बाद है जी, एक मिनट मैं, हमराज के बाद हर्षदीप सिंह, इमनंदन प्रीत कौर, जानवी सहोता, लवलीन, मनीषा, मंजोत, आज दोनों क्लासेस के हैं, मंजू चौधरी, मनरीत कौर, प्रशांत शर्मा, संदल, शोभित मदान, तनवीर सिंह, उपविंदरजीत सिंह, नेहा बिजू और ऐश, इसके अलावा अगर कोई बच्चा बाकी रहता हो तो प्लीज मेरे को जरूर बता दे बेटा, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा अभी, ठीक है,
ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हर्षप्रीत सिंह हो गई बेटा आपकी अटेंडेंस, ठीक है। देखो बच्चा, अब हमने आपको जो लास्ट कॉन्सेप्ट था हमने किया था कैपेसिटर। कैपेसिटर का हमने प्रिंसिपल आपको बताया कि उसमें किस तरह से हमें दो चार्ज प्लेट लेनी होती है और प्लेट लेके हम उनके बीच में क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। और वो जो एनर्जी स्टोर होती है ना बच्चा कैपेसिटर में, वो हमेशा आप याद रखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। अब हम करने वाले हैं सिंपलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका पूरे चैप्टर में यूज होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होगा उसका पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। और हम पूरे चैप्टर में उसी कॉन्सेप्ट के साथ बेसिकली डील करके चलेंगे, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे सामने जो हर जगह यूज होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर वाले पार्ट के न्यूमेरिकल हमें बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे बच्चा पार्टी। कहीं बच्चे ये सोचे कि इनके न्यूमेरिकल बहुत कम करेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इसके न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। आप ये मान के चलो कि अगर इस पार्ट के न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इसके राजा हो गए, ठीक है। और बार बार रिपीट होते हैं इनके न्यूमेरिकल्स, तो आप ये बात आप टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप के आप न्यूमेरिकल करोगे वही रिपीटेड मोड में चलेंगे वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट यही है कि आप एक दो चार न्यूमेरिकल करते हो, उनपे बेस ही आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हैं दो पैरेलल प्लेट्स, हर एक का एरिया ए के बराबर है, ठीक है। इसका एरिया भी ए के बराबर है, उसका एरिया भी ए के बराबर है। एरिया इज इक्वल टू ए, एंड लेट अस कंसीडर द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स एज डी। डी बी द सेपरेशन, मान लिया हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, लेट अस कंसीडर दैट सेपरेशन इज इक्वल टू डी, ठीक है। वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज। एक की चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दूसरे की चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा है बच्चा पार्टी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल होती है। देखो भाई, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में अगर बात पूछूं कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच फील्ड कितना होता है, तो आप आंसर करोगे कि सर हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन से सीखा था कि इनका जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है। अगर ये फील्ड देखा जाए यहाँ पे इस प्लेट के इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इन दोनों के बीच में फील्ड एग्जिस्ट करता है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि जो एनर्जी यहाँ पे होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। यानी कि अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप लिखते जाओ एज ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आप लिखते हो चार्ज अपॉन एरिया ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ऑल्सो वी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल्सो वी इज इक्वल टू होता है ई इंटू लेंथ के डायमेंशन किसके हैं, डी के। ये देखो इन दोनों के बीच गैप जो है वो डी है, तो अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो मेरे पास होगा क्यू इंटू डी बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन हमें क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो क्यू बाय वी की वैल्यू क्यू इनटू डी और इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो ये आपके पास बच गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, ठीक है ना। अब मान लो कि इस पूरे के पूरे कैपेसिटर को एक मीडियम में हमने रख दिया। अब मान लीजिए मीडियम है हमारे पास, ऐसा ऐसा एक मीडियम है, ठीक है, पूरे कैपेसिटर को हमने एक मीडियम में रखा है, ठीक है, ऐसे। ये देखो भाई, ये एक मीडियम हमने ले लिया, ठीक है ना जी, एक पूरे मीडियम में रख दिया। तो पूरे मीडियम में रखते ही आप क्या कहोगे कि सर जी आप कैपेसिटेंस सी डैश है ना, आप एप्सिलॉन नोट कीजिए, एप्सिलॉन ए बाय डी लिखोगे, लिखेंगे भाई। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, या तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी या फिर आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन नोट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, तो मेरा कोई गलत नहीं होगा आप कॉन्सेप्ट, यानी कि सी डैश जो है नया जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बन जाएगा इसके कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के टाइम्स वो बन जाएगा, ठीक है ना, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के टाइम्स वो बन जाएगा। तो ये मेरा रहेगा आर्टिकल सी डैश के लिए, दैट इज इक्वल टू के इनटू सी। तो ये था बच्चा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है बच्चा जिसको हमने अभी अभी स्टडी किया। अब देखो एक चीज देखो, आप एक स्पेशल बात मैंने क्या ऑब्जर्व करी कि जब मैंने कैपेसिटेंस निकाला ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो मेरे पास C की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इसका मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन आपका एरिया ऑफ प्लेट्स सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एरिया पे सेपरेशन पे और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे भी डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे भी डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे भी डिपेंड करता है, जबकि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे नहीं करता। मेरे को क्या दिखा है यहां पे कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इस पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, दूसरा इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, तीसरा फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना अप्लाई किया इस चीज पे ये डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा। यानी ये कैपेसिटेंस आपका चार्ज है, पोटेंशियल है, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है एरिया मतलब कॉन्फ़िगरेशन पे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इसकी कैपेसिटेंस की, है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उस पे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इन कंपैरिजन विद द अदर फैक्टर्स लाइक चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चीजों पे बहुत ही कम उसकी डिपेंडेंसी रहती है। तो आज हमने जो किया बच्चा वो कैपेसिटर का प्रिंसिपल किया और कैपेसिटर पे बेस होके कॉन्सेप्ट करे जिसमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ था, ठीक है। तो आज के लिए हमारा काफी रहेगा और हम मिलते हैं नए लेक्चर में अगले दिन मंडे को। लेकिन आप साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहिए। संडे का आपका होमवर्क है कि आप एक सैंपल पेपर को कवर कर लीजिए। मैं सैंपल पेपर वही दे रहा हूं जिसका हमने पेपर लिया था, वो सभी के सभी बच्चे उस सैंपल पेपर को सॉल्व करके मेरे को सबमिट करवाएंगे। आप अपनी मर्जी से भी कोई सैंपल पेपर उठा सकते हैं, सभी बच्चे सैंपल पेपर परचेज कर लेंगे यहाँ पे ग्रुप में जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और उन सैंपल पेपर को सॉल्व